भारतवर्ष में करीब 4 लाख लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बहुत चौंकाने और हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं। 60-70-80% डैमेज होती है, तब सिम्टम आते हैं। बचाव के तरीके हैं वो एक्यूट किडनी डिजीज के थोड़े अलग हैं जी, और क्रॉनिक किडनी डिजीज के अलग हैं। 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेजर हैं जिससे एक्यूट किडनी डैमेज होती है। ये 5 लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं जिनको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा है। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड होती हैं, और किडनी का फंक्शन एक मेन फंक्शन है कि यूरिन बना के जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालती है। लेकिन इसके अलावा भी इसके और फंक्शन हैं जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मालूम है। जैसे कि किडनी, नॉर्मल किडनी का होना ज़रूरी है अगर किसी का ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए नॉर्मल किडनी का फंक्शन ज़रूरी है। दूसरा, किडनी दो तरह के हार्मोन बनाती है। एक तो हार्मोन होता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, उससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन में होता है उसके लिए किडनी का ये हार्मोन फंक्शन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। दूसरा, किडनी एक विटामिन डी बनाती है जिससे कि हड्डियों की मजबूती और जो बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट या बोन की स्ट्रेंथ होती है उसको नॉर्मल रखने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। तो ये 4 मेजर किडनी के फंक्शन हैं जो कि आप समझ सकते हैं, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बोन की स्ट्रेंथ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, तो क्योंकि एक किडनी एक मेजर बॉडी का ऑर्गन है जिसके नॉर्मल फंक्शन होना ज़रूरी है अगर हेल्थ मेंटेन रखनी है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किडनी रोगों से खुद को बचाया जा सकता है, किस तरह से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो है हमारी किडनी पर असर डालती हैं, जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, किस तरह का हमारा खान पान है वो किस तरह से हमारी किडनी पर असर डालता है, और ख़ास तौर पे जो हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो क्या है, और क्या महिलाओं में ही ख़ास तौर पे किडनी की समस्या ज़्यादा होती है। जैसा कि हम आंकड़े देखते हैं कि करीब 2 लाख लोग हर साल भारत में किडनी रोगों से उनकी मौत हो जाती है और करीब 550 लोग हर रोज़ किडनी रोग से मर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल जो कि प्रोफेसर एंड HOD है डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय अग्रवाल आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर संजय अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD हैं, प्रोफेसर हैं, कि जब हम किडनी रोगों की बात करते हैं तो भारत में क्या ये समस्या वाकई विकराल रूप ले चुकी है? देखिए, अगर हम मतलब किडनी डिजीज़ के बारे में बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किडनी की बीमारी होना और किडनी का ख़राब होना ये दो अलग चीज़ें हैं। जी जी, हर किडनी की बीमारी से किडनी ख़राब नहीं होती जी, और दूसरी, किडनी जो ख़राब होती है उसके भी 2 मेजर कारण हैं। एक तो किडनी जो थोड़े दिनों से ही ख़राब होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट किडनी डैमेज जी जी जी, दूसरी होती है किडनी जो खराबी जो कि लंबे समय से होती है जिसको हम लोग कहते हैं 3 महीने से ख़राब है जी, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो ये 2 अलग तरह की बीमारियाँ हैं, क्योंकि एक्यूट किडनी डिजीज़ में करीब 80% लोगों को ठीक करा जा सकता है जी, जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अगर डायग्नोसिस सही है तो उसको बिल्कुल जड़ से ठीक करना मुश्किल है जी, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यूजली विद टाइम बढ़ती है जी। तो अगर आज किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में 20% डैमेज है तो कुछ टाइम में वो 30% होगी, 40% होगी जी, अल्टीमेटली वो 100% के आसपास हो जाएगी, और उस स्टेज में दवाओं से काम करना पेशेंट का मुश्किल होता है जी, और वो स्टेज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज जी, और उस टाइम मरीज को या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है जी। तो अगर हम आंकड़े लें तो किसी एक समय में भारतवर्ष में करीब 4 लाख लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मतलब 4 लाख लोग एंड स्टेज किडनी डिजीज में हैं इस समय भारत में, इस समय किसी भी समय एक साल भारत में। कुछ नए मरीज हर साल होते हैं जी, और कुछ पुराने मरीजों की डेथ हो जाती है
जी तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज एक समय में करीब 4 लाख लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ये वो एंड स्टेज वाले हैं। जी एंड स्टेज अगर वाले। इसकी पहली स्टेजेज हम ले लेंगे तो ये करीब 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 8 से 10 गुना और बढ़ जाएगा। जी इन 4 लाख लोगों में से अगर पिछले साल का आंकड़ा लें तो करीब 8,000 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। जी और आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम जी में कुछ डायलिसिस बढ़ी हैं बहुत, उसके बाद भी करीब डायलिसिस जो पेट की और खून की मिला के करीब 1.5 लाख लोगों के आसपास की डायलिसिस आज के टाइम पे इंडिया में शुरू हो रही है। जी ये भी एक बात है कि शुरू होना और लाइफ लॉन्ग चलना दो अलग चीज़ है। जी बहुत सारे मरीज शुरू कर पाते हैं बट कॉस्ट की वजह से या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत साल तक नहीं रह पाते हैं डायलिसिस पे अलाइव। जी तो अगर हम ये ट्रांसप्लांट और डायलिसिस मिला लें तो उन 4 लाख में से करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को ही इलाज मिल पाता है। जी तो जो बाकी दो बाकी लाख लोग बचे हैं वो बगैर किसी रेगुलर डेफिनेट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की एब्सेंस में उनकी डेथ होती है। जी, तो क्या वाकई ये बात सच है कि किडनी रोग जो होते हैं उनका पता लगाना, उनके लक्षण देख पाना बहुत मुश्किल होता है, शुरुआत में पता नहीं चल पाता? देखिए जो हम लोगों ने दो चीज़ बात करी, एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक। एक्यूट किडनी डिजीज़ जैसा कि टर्म ही कह रहा है जी एक्यूट, उसमें सिम्टम आ जाते हैं और पेशेंट की डायग्नोसिस यूजली जल्दी हो जाती है। जी बट जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें किडनी डैमेज की अगर हम बात करें तो किडनी डैमेज तभी टेस्ट से भी तभी पता लगती है जबकि करीब 50% 60% किडनी डैमेज हो जाए, जी तब टेस्ट से पता लगती है। जी मरीज़ को सिम्टम आने में तो 60-70-80% डैमेज होती है तब सिम्टम आते हैं। जी तो अगर कोई भी मरीज़ सिम्टम की बेसिस पे वेट करे कि हाँ किडनी की बीमारी है या नहीं, तो उसको जब सबसे पहले सिम्टम पता लगेंगे तो तब करीब शायद 60-70% किडनी ऑलरेडी परमानेंटली डैमेज हो चुकी होगी। बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो जब उस समय हम फिर उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता है, फिर वो 70 से 100 में जाने में बहुत कम समय में ही हो जाता है। जी तो उसको लगता है कि अभी तो मुझे कोई सिम्टम नहीं था, जी मुझे सिम्टम आया और मुझे 2 महीने में डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको डायलिसिस कराना या जी ट्रांसप्लांट कराना, तो वो फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और एक तरह से शॉक टाइप का होता है कि हम अब किसी से कहें कि वो 4 महीने पहले ठीक था, बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं था जी और आज उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो इट इज़ ए मेजर सेटबैक फॉर द फैमिली। जी तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि किडनी रोगों की क्या लक्षण की आप बात कर रहे हैं कि बहुत लेटर स्टेज में पता चलते हैं, तो ऐसे में वाइटल ऑर्गन में है किडनी जी आपकी शरीर का, और हर ऑर्गन की जिस तरह कहा जाता है एक उम्र होती है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो जब किडनी को अगर हमें, हमारा वाइटल ऑर्गन है उसको बचा के रखना है, उसको संभाल के रखना है, तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे? देखिए, इससे पहले कि हम लोग जाएं कि हाँ इसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं, एक बात और भी समझ लें जी कि जो जी एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है जिसको हम जी कहते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो सकते हैं, जी उसमें से एक्यूट किडनी डिजीज़ के करीब 20% मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चले जाते हैं। जी और अगर आप आंकड़े लें इस समय इंडिया के, साउथ ईस्ट एशिया जिसका इंडिया भी एक हिस्सा है, जी एक्यूट किडनी डिजीज़ करीब 20% लोगों में, जी और उसका अगर आप 20% क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जाता है तो समझ लीजिए 4% के आसपास एक्यूट किडनी डिजीज़ के मरीज़ क्रॉनिक में चले जाते हैं। जी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आज के टाइम पे किसी भी कंट्री में 10% एडल्ट पॉपुलेशन को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जी किसी भी कंट्री में किसी भी दस कंट्री दस में परसेंट इंक्लूडिंग इंडिया। जी अप्रॉक्सीमेटली है, किसी में 9% है, किसी में 12% है, बट ऑन एन एवरेज 10% एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इज़ हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो अब जब हम बचाव की बात करते हैं तो दो तरह के बचाव हैं। एक तो हमें एक्यूट किडनी डिजीज़ भी बचानी है जी क्योंकि उसमें से भी 20% लोगों की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जाते हैं और उससे ज़्यादा उसमें परेशानी ये है कि उसमें 30% लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है एक्यूट किडनी डिजीज़ जी वाले। जी तो ना कि हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जाने से बचाना है बल्कि जो 30% की डेथ हो रही है,
वो भी हमें रोकनी है। जी, तो जिस तरह तो एक तरह का बचाव, एक तरह का जो बचाव के तरीके हैं वो एक्यूट किडनी डिजीज़ के थोड़े अलग हैं जी, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अलग हैं। जी, तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बहुत चौंकाने और हैरान करने वाले ये आंकड़े हैं और काफ़ी डराते भी हैं। तो ऐसे में क्या वजह होती है जिसके कारण लोगों में किडनी रोग होता है? तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा अलग कर लें। एक्यूट किडनी डिजीज़ की जो कारण होते हैं उनमें से 5-6 कारण मुख्य हैं, जो कि करीब 90% पेशेंट ऑफ एक्यूट किडनी डिजीज़ में एप्लीकेबल होंगे। जी, उसमें एक तो नंबर वन आता है ड्रग्स। जी, ड्रग्स किडनी को डैमेज करती हैं और परमानेंट भी डैमेज कर सकती हैं। जी, दूसरा आता है जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं, जी, वो उन इन्फेक्शन से किडनी डैमेज होती है। जी, तीसरा आता है कि किडनी में जो खून जाता है उसका बहाव, खून का अमाउंट किडनी में सही जाना चाहिए तभी किडनी काम करेगी। जी, तो किसी भी वजह से अगर बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है या फ्लूड का लॉस हो रहा है, जी, फ्लूड का लॉस मतलब वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, उससे फ्लूड लॉस हो रहा है, या ट्रॉमा हो गया है तो उससे ब्लड लॉस हो रहा है, जी, तो फिर उससे खून की मात्रा जो किडनी में जा रही है वो कम हो जाती है, उससे किडनी डैमेज हो जाती है। जी, चौथा कारण ये है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या और एक्सीडेंट इंजरी हो रही है जिसमें मसल इंजरी होती है, वो मसल इंजरी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं। जी, तो ये एक चौथा। एक पांचवा कारण जो कि वेस्टर्न कंट्री में उतना नहीं है लेकिन इंडिया में अभी भी है, इस प्रेगनेंसी रिलेटेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एक्यूट किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में अभी भी, जबकि वेस्टर्न कंट्री में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ख़त्म सी हो गई है। जी, तो ये अगर आप कारण लें, ड्रग है, इन्फेक्शन है, बॉडी से फ्लूड या ब्लड का लॉस है, एक्सीडेंट्स हैं जो ट्रॉमा है, इंजरी हैं मसल की, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जी, ये चीज़ें जो हैं ये एक्यूट किडनी इंजरी करती हैं। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर किडनी के आपके डैमेज होने के चांसेस हैं या उस पर असर पड़ने के चांस हैं, तो क्या क्या उस दौरान ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में किडनी रोग हो सकते हैं? एक तो जो आपने कहा कि महिलाओं में किडनी प्रेगनेंसी में थोड़ा प्रोन होती है, जब हम लोगों ने ये बात करी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में जी, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो जिस वजह से किडनी इंजरी होती है वो यूजली कॉम्प्लिकेटेड एबॉर्शन या अनट्रेंड पर्सन से एबॉर्शन कराना इज़ ए मेजर कॉज फॉर एक्यूट किडनी डिजीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जी, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हम लोग बात कर रहे हैं, किडनी थोड़ा प्रोन होती हैं प्रेगनेंसी में फॉर डैमेज, क्योंकि किडनी बॉडी प्रेगनेंसी में ब्लड में कोगुलेशन के लिए रिस्क होता है, जी, तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी वजह से किडनी इंजरी ज़्यादा होती है। जी, तो ये दो मेजर कारण हैं जो एक्यूट किडनी इंजरी करते हैं। जी, और इसके कुछ परसेंट जैसे हम लोग बात कर रहे थे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी चले जाते हैं। जी, तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेजर हैं जिससे एक्यूट किडनी डैमेज होती है। इसके लिए हम लोग कहते क्या हैं कि कोई भी दवा अपने आप नहीं लें। जी, दूसरा, कोई भी दवा अनसुपरवाइज बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लें। जी, अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर ने 2 हफ्ते के लिए दवा लिख दी, उसके बाद पूछा नहीं और वो बिल्कुल ठीक नहीं हुए, उसके बाद 2 हफ्ते उन्होंने अपने आप बढ़ा दी। तीसरी, जब भी बॉडी से फ्लूड लॉस, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है तो उसको रिप्लेस होना चाहिए। जी, जैसे बच्चों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, देखिए इतनी ज़्यादा घर पे करें रिप्लेस, घर पे नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन और ब्लड लॉस की वजह से किडनी में डैमेज ना हो। जी, चौथा, फिर सेफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एवरी टाइप ऑफ ड्राइविंग, जिससे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो, मसल इंजरी नहीं हो और एक्यूट किडनी डैमेज नहीं हो। पांचवा ब्रॉड ग्रुप है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेफ मदरहुड को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अब उसमें बहुत वाइड एरिया है, एजुकेटिंग गर्ल्स फॉर अनसेफ एबॉर्शन और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
केयर ऑफ द मदर, ब्लड प्रेशर उनका ठीक रहना चाहिए, इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए, जी तो इस ब्रॉड ग्रुप में हम कह सकते हैं कि सेफ मदरहुड के लिए अगर हम फॉलो करेंगे उसकी, देन एक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जितने चीज़ें प्रिकॉशंस की बताई हैं ये हमें एक्यूट किडनी इंजरी को रोकने के लिए बताई हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को रोकने की के कारण भी अलग होते हैं और उनका बचाव भी अलग होता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करें तो उनके क्या कारण हैं? तो अगर हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आते हैं तो उसका सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़ है। जी। अगर आज की डेट में 100 मरीज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं कहीं भी वर्ल्ड में, तो करीब 40% उसमें से डायबिटीज़ की वजह से हैं, 20% हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इन दो के अलावा फिर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं जो किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो करीब 15% 20% वो करंट करती है। फिर एक किडनी में, किडनी का एक हिस्सा होता है जिसको टिब्यूल कहते हैं, जिससे चीज़ें फिल्टर होती हैं या यूज़फुल चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, उसकी डैमेज की वजह से 10% के आसपास उसकी डैमेज की वजह से होता है। फिर अनदर 5% जो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे सिस्टिक डिजीज़ हैं जिसमें सिस्ट बढ़ के किडनी में किडनी डैमेज करती है, वो फैमिली में रन करती है, तो वो एक ग्रुप ऑफ फैमिलियल डिजीजेज है जो कि उससे होता है। फिर जहाँ हम लोगों ने एक्यूट किडनी डिजीज़ की बात करी थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी लिंक्ड है। जी। ये एक मतलब चौंकाने वाली बात है कि इंडिया में 25% डिलीवरी में बच्चे का बर्थ वेट कम होता है, जिसको हम लोग लो बर्थ वेट कहते हैं। लो बर्थ वेट के जो बच्चे आगे फ्यूचर में जब एडल्टहुड में पहुँचते हैं उनको डायबिटीज़ का रिस्क, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये प्रेगनेंसी मतलब एक बड़ा एक मेजर ग्रुप ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से एक्यूट किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ दोनों होते हैं। जी। तो अब जैसे महिलाओं की भी हम बात करें तो क्या ऐसा होता है कि महिलाओं में ज़्यादा टेंडेंसी होती है किडनी रोगों के होने की? नहीं, जैसे ऐसा कोई जेंडर डिफरेंस कोई बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है। जी। अगर हम ऐसे कहें कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती हैं वो ऑब्वियसली फीमेल्स में होंगी, या ऐसा नहीं है कि डायबिटीज इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर इज़ मोर कॉमन, तो जब दो मेजर कारण डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ज़्यादातर मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो ये ऐसा फिर दूसरे कारण फीमेल्स में कंपनसेट कर लेते हैं। तो हम लोग का ब्रॉडली यही कॉन्सेप्ट है कि जेंडर से रिलेटेड किडनी डिजीज़ मेल या फीमेल में ऐसा एज ए ग्रुप कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जी, क्योंकि पर वर्ल्ड लेवल पर किया जा रहा है कि हर साल किडनी रोग से 6 लाख महिलाएं मर रही हैं, या वो टोटल नंबर मिलाने पे वो चीज़ शायद सही होगी। जी, वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा दिक्कत है महिलाओं में। तो जिस तरह से हम अगर बात करें लक्षण की, हमने बात की, अब बहुत सारे ये भी कहा जाता है कि पैसिव स्मोकिंग या स्मोकिंग जो करते हैं, और पैसिव स्मोकिंग भी जिनको कर रहे हैं उनको मिल रही है दूसरों के आसपास, हाँ। उनके कोई स्मोक कर रहा है तो उनमें भी किडनी रोग होने का खतरा रहता है। स्मोकिंग की वजह से किडनी में डैमेज होने का होता है, क्योंकि स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, और किडनी एक बहुत ज़्यादा वैस्कुलर ऑर्गन है, उसमें मतलब ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स किडनी के फंक्शन के लिए नहीं बल्कि जो किडनी का नॉर्मल फंक्शन है यूरिन बनाने का, उसके लिए भी ब्लड वेसल्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो जितनी चीज़ें ब्लड वेसल को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे डायबिटीज़ है ब्लड वेसल को इफ़ेक्ट करती है, हाई ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट करता है, ऐसे ही स्मोकिंग भी चूँकि ब्लड वेसल को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए स्मोकिंग ना कि खाली किडनी डिजीज़ की शुरुआत करती है बट वो अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज में बहुत कम टाइम में चली जाती है। जी। तो स्मोकिंग उसकी डिटोरेशन की स्पीड को भी बढ़ाता है। जी। तो अब जब हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन, प्रदूषण जो है भारत में तो बहुत ज़्यादा, हम आंकड़े इसके आ रहे हैं, और दिल्ली में तो स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्रदूषण किस तरह से हमारी किडनी पर असर डाल रहा है? देखिए, इसमें प्रदूषण को हम लोगों ने इतना ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं कर पाए हैं अभी भी कि अच्छा प्रदूषण कौन सा प्रदूषण में सब्सटेंस है जो कि किडनी डैमेज कर रहा है, लेकिन आजकल आपने सुना होगा कि
जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हम लोग कारण बता रहे हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और फैमिलियल डिजीज़ ठीक हैं। एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिनमें कारण नहीं पता लगता, जी लेकिन जो कॉमन कारण है जी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर ये सब नहीं है, जी इसको एक कॉमन नाम दिया गया है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऑफ अननोन ओरिजिन, जी तो उसको CKD-U बोलते हैं। जी इंडिया में कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें CKD-U बहुत कॉमन है, और इसका चूंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कारण नहीं है, तो इन ग्रुप ऑफ डिजीज़ को में इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, कि शायद वाटर में या एयर में या पोल्यूशन की वजह से ये डैमेज ज़्यादा हो रही है, जी तो तो वो एक मेजर इंडिकेटर है कि शायद पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कॉजिंग किडनी डैमेज। तो अब बचाव की बात कर लेते हैं, किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि हम किडनी रोगों से बच पाएं। देखिए, हम लोगों ने एक्यूट किडनी डिजीज़ को प्रिवेंशन के लिए, चूंकि उसके कारण अलग थे, उसके हमें प्रिवेंशन की चीज़ें हम लोगों ने अलग रखी जी थी। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो कारण हैं वो अलग हैं, तो इसमें एक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये सारे लाइफ स्टाइल चेंजेज़ हैं। जी तो एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ए मेजर फैक्टर जी जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का बचाव कराया जा सकता जी है। अब लाइफ स्टाइल में अगर हम बात करते हैं, तो एक तो एडिक्वेट वाटर इनटेक होनी चाहिए, जी लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एडिक्वेट वाटर पे आप अगर और प्रकाश डाल सकें, कितना पानी रोज़ हाँ, आपको किस तो तरह से पीना चाहिए। ये अक्सर बात उठती है कि लोग एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं कि अच्छा 1 लीटर या 2 लीटर। जी इसको समझने की बात है कि बॉडी में वाटर आप लेते हैं और दूसरा कुछ वाटर बॉडी में अपने आप जनरेट होता है, जी प्लस वाटर लॉस होता है। जी वाटर लॉस पेट से होता है, यूरिन से होता है, और स्किन से भी, और सांस लेने से भी। जी ये वाटर लॉस जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट करता है। जी इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि एक एग्जैक्ट नंबर शायद वाटर इनटेक का सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जी बट ग्रॉसली 1.5 to 2.5 लीटर वाटर इनटेक को अगर हम कहेंगे, तो ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए इतनी सफिशिएंट होगी, सफिशिएंट ना होगी ये ज़्यादा होगी ना ये कम होगी। जी अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो लोग फील्ड में काम करते जी हैं, खेती में काम करते जी हैं, उनका बॉडी से स्वेट से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, जी उनको 3 लीटर की ज़रूरत हो सकती है, जी 3.5 लीटर की। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम एसी में रहते हैं, उनका लॉस बॉडी से कम होता है, जी तो उनको 1.25 लीटर या 1.5 लीटर की ज़रूरत होती है, बट ग्रॉसली 2 लीटर के आसपास शुड बी सफिशेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जी तो और खान पान में क्या हाँ, तो एक आपको तो ये, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज जी हो, उसी से लिंक्ड है कि वेट मेंटेन होना चाहिए। तीसरा, अभी हम लोगों ने स्मोकिंग की बात करी, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जी दूसरा मेजर ग्रुप है कि सॉल्ट और फैट डाइट में रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं जी और डाइट पे असर करती हैं। तो इसकी वजह से जो सबसे कॉमन कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं वो बढ़ते हैं। जी इसके साथ हमें कह देना थोड़ा आसान है बट फॉलो करना मुश्किल है, जो आजकल की लाइफ में स्ट्रेस है जी वो स्ट्रेस को शायद थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है, चाहे जिस भी मेथड से करें, चाहे योगा करें, जी बट एक एक लिमिट तक स्ट्रेस आज की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और ये जी डेफिनेटली असर करता है। तो ये जो हम लोगों ने 6-7 चीज़ें बात करी है, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कि ओवरऑल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ को रोकेगा। जी इसके अलावा जब हम पहले बात कर रहे थे कि अर्ली स्टेज में किडनी 60-70% तक कोई सिम्टम नहीं होता है, जी इसका मतलब अगर हम जब तक इसकी जांच नहीं करेंगे, जी हम उस स्टेज वाले पेशेंट को डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे। जी तो मतलब हमें कि सिम्टम अगर नहीं है तो जांच करना ज़रूरी है। अब जांच करने की में एक प्रॉब्लम आती है कि हम पूरी कंट्री की जांच कर सकते हैं, जी वो तो शायद संभव नहीं है। तो हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट एक ग्रुप डिफाइन किया हुआ है जो कि हाई रिस्क ग्रुप है, जी
जिनको किडनी की डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होना ज़्यादा संभव है, वो उस ग्रुप की हम लोग कहते हैं कि एक बार यूरिन और ब्लड की जांच, जो किडनी के टेस्ट होते हैं, वो साल में एक बार ज़रूर करा लें। जी। तो वो ग्रुप है जिस भी मरीज़ को डायबिटीज़ हो, या जिसको हाइपरटेंशन हो, हाई जी। ब्लड प्रेशर, जी। या जिसकी फैमिली में कोई मेंबर को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, जी। या जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, जी। या जिसको पास्ट में एक्यूट किडनी डिजीज़ हो चुकी है। जी। ये 5 लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं जिनको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। इन लोगों को साल में एक बार यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट किडनी की जांच के हैं, ये ज़रूर कराने चाहिए। अगर कराने पे बीमारी आती है कि ये टेस्ट एबनॉर्मल हैं तो उसका इलाज होगा, अगर एबनॉर्मल नहीं है तो फिर नेक्स्ट ईयर में टेस्ट कराने। जी। तो अगर, और ये टेस्ट इतने महंगे नहीं है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होते हैं, जी, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है, इतनी कम है कि शायद हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। जी। तो क्या किसी उम्र, जैसे आप एम्स में काफ़ी मामले आते होंगे किडनी रोगों के, तो क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये मामले ज़्यादा आते हैं या फिर 60 के बाद ही ज़्यादा होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हम लोगों ने एक बात करी थी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एक कारण किडनी में इन्फ्लेमेशन है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो यंग में होती है। तो अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस जिन पेशेंट की होती है, उनकी एवरेज एज 40 के आसपास है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें, वहाँ पे डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एवरेज एज 50-55 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर मरीज़ इंडिया में 60 के ऊपर होते हैं। इसी को अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे एवरेज एज क्रॉनिक किडनी डिजीज मरीजों की 65-68 होती है। तो ये एज, एवरेज एज डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। इंडिया में यंगर पॉपुलेशन, जो कि अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के और मेल मेंबर हैं, वो एक बड़ा मेजर ग्रुप है जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, और उससे पूरी की पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। तो जिस तरह आपने बताया कि 40 की उम्र में एवरेज एज आ रही है, एवरेज ये 40-42 के आसपास होती है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है? ये लाइफस्टाइल है, क्योंकि आजकल पहले हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा 50-50+ के लोगों में ज़्यादा होता है, अब आजकल के टाइम में 30-25 होता है। इसको आप वहीं अगर ले जाइए, ये उस वजह से ही ज़्यादा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद लो बर्थ वेट 25% है, और वो जब तक 15-20 साल में होते हैं, तो ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ उनको ज़्यादा होता है। इसीलिए इंडिया में आज के टाइम में 20 और 30s में डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर बहुत होने लगा है। जी। और अगर फास्ट फूड की बात करें, या लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसमें कि सोशलाइजिंग के लिए लोग, हो सकता है लीकर भी लेते हों और फास्ट फूड भी खाते हों, पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, और तो इस तरह की डाइट जिसमें जो हेल्दी तो नहीं है, इसीलिए जो लो बर्थ वेट वाले लोगों को वो ऐसी, मतलब वो साइंटिफिक रीज़न है उसका, कि जब लो बर्थ वेट वाले बाद में 50 और 20s में हाई सॉल्ट और ये जो फास्ट फूड लेते हैं, उनमें हाई सॉल्ट और हाई फैट कंटेंट होता है, तो वो एकदम से डिस्प्रोपोर्शनेट वेट बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। जी। तो इसलिए फास्ट फूड शायद जिनका नॉर्मल बर्थ वेट है उनको उतना असर नहीं करता एडवर्सली, जितना ये जो लो बर्थ वेट बेबी हैं इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ग्रॉसली एबनॉर्मल इफेक्ट करता है। जी। और ये ग्रुप ऐसा है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को यंगर पॉपुलेशन में इंडिया में ला रहा है। तो जिस तरह से WHO कहता है कि किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जो हमने बात करी एक्यूट किडनी डिजीज़ को रोकने के लिए, कोई दवा अपने आप नहीं लें, बगैर अनसुपरवाइज मेडिसिन नहीं लें, इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको तुरंत कंट्रोल करें। जी। प्रेगनेंसी में पूरी फैमिली शुड सपोर्ट फीमेल फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी एंड ए नॉर्मल चाइल्ड। जिनको हाई रिस्क क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है, वो हर साल रेगुलर टेस्ट जरूर कराएं, ताकि बीमारी जल्दी पकड़ में आ सके। जी।
और आखिर में मैं ये कहूँगा कि दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो कि इस टाइप की बीमारी के लिए, एक तो दवा अपनी रेगुलर ज़रूर लें और रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सिम्टम पहले नहीं होते, तो अगर चेकअप फॉलोअप रेगुलर नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां मिस होंगी और बॉडी को डैमेज करके बहुत एडवांस स्टेज पे ले जाएंगे। जी, तो चेकअप रेगुलर कराते रहें, क्योंकि अब जो एवरेज है आप बता रहे हैं कि 40 की आ गई है किडनी रोगों में भारत में, और जिस तरह के केसेस एम्स में आ रहे हैं, तो लाइफस्टाइल अच्छा रहे, अपना खान पान अच्छा रखें, बिल्कुल, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया उन सब इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। Thank you.